अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती क्या हैं? किस प्रकार, मैं बहुत आराम समझा रहा हूं, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी। अक्षांश और देशांतर रेखाएं एग्जैक्टली होती क्या हैं? किस प्रकार ये हमारे पृथ्वी पर प्रभाव डालती हैं, हमारे पृथ्वी पर इनका प्रभाव आता है, और इस प्रकार मानव जीवन के लिए ये जो अक्षांश और देशांतर हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स हमारे, हम इन पर निर्भर हैं। समझ में आ रहा है? तो उस पर आज हम अच्छी खासी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, पृथ्वी को, मतलब कोई भी जो स्थान है पृथ्वी पर, पृथ्वी पर छोटी सी पृथ्वी इधर बनाऊंगा पहले मैं, पृथ्वी पर कोई भी जो स्थान है, अगर मुझे उसका मापन यानी मेजरमेंट करना है, तो मेरे पास सिर्फ दो हथियार हैं मेजरमेंट नहीं। एक तो मेरे पास हथियार है एस्ट्रोनॉमिकल, भौगोलिक स्थिति पोजीशन, भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, समय आ रहा है, और एक भौगोलिक मतलब खगोलिक, माफ कीजिएगा, खगोलिक स्थिति, और एक है भौगोलिक स्थिति। एस्ट्रोनॉमिक मतलब खगोलिक स्थिति, और एक है ज्योग्राफिकल पोजीशन। भौगोलिक स्थिति, ठीक है। अगर मुझे अर्थ का मेजरमेंट करना है किसी भी क्षेत्र का, तो मैं दो मेजरमेंट अपनाऊंगा। पहला मेरा मेजरमेंट रहेगा एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन, दूसरा मेरा मेजरमेंट रहेगा ज्योग्राफिकल पोजीशन। मेरी बात समझ में आ रहा है? उदाहरण ये है एशिया, मैंने आपको कॉन्टिनेंट्स कराए हैं एशिया। अब मैं पहले नंबर इससे, दूसरे नंबर इससे, पहले नंबर की अगर मैं बात करूं भारत की बात करूं, ठीक है, तो भौगोलिक स्थिति से अगर मैं भारत की बात बताऊं, तो भौगोलिक बताऊं कि अगर आपको भारत जाना है या भारत की स्थिति कहां है, पोजीशन कहां पर है, तो अगर भारत जाना है तो आप भारत के मतलब उत्तर ऊपर पश्चिम में पाकिस्तान पाया जाएगा। भारत कहां पर है? भारत के उत्तर पश्चिम में, मतलब नॉर्थ वेस्ट में कहां पर है? पाकिस्तान है। उत्तर में चीन है, हिमालय पर्वत है, पूर्व में भूटान नेपाल आ जाता है हमारा, नीचे दक्षिण में अरब सागर फैला हुआ, हिंद महासागर, अरब सागर इधर फैला हुआ, हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल है। तो ये स्थिति अगर मैंने आपको डिफाइन की, तो ये क्या है? मेरी भौगोलिक स्थिति है, ज्योग्राफिकल मेजरमेंट है, पोजीशन है। अब मैं बात करता हूं एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन, इसे समझा दिया। एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन अगर मैं बात करूं, तो मैं उनको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को कंसिडर करूंगा। लैटिट्यूड मतलब भाई भारत की जो स्थिति है, मुख्य भूमि 8-4, 8-4, 37-6, 68-7, 97-25। तो ये अगर मैंने बताया अक्षांश और देशांतर से समझाने की कोशिश की, आई एम नॉट डिस्कसिंग ओवर, अभी राइट नाउ मैं भारत नहीं पढ़ा रहा हूं, मेरा विश्व भूगोल चल रहा है। तो जब मैंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को अपना मेजरमेंट स्किल लिया और बताया कि भाई 6-4 तो नीचे अंडमान निकोबार, ग्रेट निकोबार नीचे आ गया हमारा, और ऊपर हमारा हिमालय का गया, भाई इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल की भी थू बताए थे, गौर माथा गुजरात की भी थू, जब मैंने ऐसे बताया कि भारत 68-7, 97-25, 6-4 या 8-6, 37-6 इनके अगर बीच में स्थित है, 8-4, 37-6 के बीच में स्थित है, तो ये मेरी कौन सी यूनिट हो गई? एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन हो गई, ठीक है। तो हमें किसी भी पृथ्वी पर किसी भी प्लेस का अगर पोजीशन जाननी है, स्थान जानना है, स्थिति जाननी है कि वो कहां पर है, तो हम दो स्थितियों को लेंगे,
ये मैं इसलिए बता रहा हूं, इसमें भले ही प्री में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जब अक्षांश और देशांतर की बात आएगी तो आप मेंस में क्वेश्चन इसी प्रकार स्टार्ट करेंगे कि जब हमें ये अक्षांश देशांतर क्या समझते हैं, तो डायरेक्ट लिखना अक्षांश देशांतर मतलब इतनी अक्षांश व्यक्ति देशांतर नहीं, अक्षांश देशांतर हमें निकालना है। मैंने क्या बोला, 30 सीटें के हिसाब से पढ़ाई करनी है ना, तो अक्षांश देशांतर मतलब हमें मापन की ये एक यूनिट है, इस यूनिट को हम कहते हैं खगोलिकीय यूनिट कहते हैं, समझ में आ रहा है, पोजिशन स्थिति कहते हैं, जिसमें अक्षांश देशांतर हम इस प्रकार नापेंगे और ज्योग्राफिकल पोजिशन इस प्रकार नापेंगे, समझ में आ रहा है। तो दोनों ही यूनिट हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है अगर हमें भूगोल को समझना है। ओके, अब हम बड़ी बनाते हैं थोड़ा सा। अब हमारी जो ये पृथ्वी है बेसिकली जो, या गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हमारी जो पृथ्वी है बेसिकली वो हमारी अपनी ही धुरी पर, मतलब जो अपने धुरी एक्सिस है उस पर थोड़ी सी झुकी हुई, आप जानते हैं, यस और नो, हमारी पृथ्वी जो झुकी हुई है इसका सबसे बड़ा परिणाम, कारण नहीं बोलूंगा, कारण तो भाई पहले से उसकी यूनिट झुकी हुई है, परिणाम ये है कि हमारे यहाँ दिन और रात परिवर्तन होते हैं, मौसम परिवर्तन होता है। अगर पृथ्वी अपने स्थान पर झुकी हुई नहीं होती तो मौसम चेंज नहीं होते, समझ में आ रहा है। इसका झुकना ही उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में मौसमों को परिवर्तन करता है। अब बात आती है कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो अर्थ है, वो हमारा अपनी ही दूरी पर कितना ज्यादा झुका हुआ है। तो हमारा जो अर्थ, जैसे है कि हमारा मूवमेंट हो रहा है 1453 किलोमीटर गति, हमारी अर्थ घूम रही है, कितनी गति है बताई थी मैंने, 1453 किलोमीटर प्रति घंटा की गति है, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट इसका गुड मॉर्निंग, वेस्ट टू ईस्ट इसका मूव हो रहा है, ठीक है ना। तो अब इतनी गति से अगर कोई घूमे और 1,00,000 किलोमीटर की गति इसकी सूरज की परिक्रमा करने में चल रही है, ऐसे 1,00,000 किलोमीटर, 1,10,000 किलोमीटर गति प्रति घंटा की घूमे, तो ऑब्वियसली बात है कि कोई भी अपनी कांस्टेंट पे 23.5 डिग्री पर नहीं रह सकता, नहीं रह सकते, जो हम बोलते हैं 23.5 डिग्री नहीं होता, 23.5 डिग्री, समझ में आ रहा है। पृथ्वी को जो वैज्ञानिक है वो एक लट्टू मानते हैं, अभी कोई लिखेगा नहीं, पहले समझेंगे हर चीज को। पृथ्वी लट्टू, देखा बचपन में, मैं तो खेलता था लट्टू, लट्टू लेके आते थे, मुझे चलाना कभी नहीं आता था, मैं हाथ से पकड़ के घुमा देता था, हमारे मतलब भैया थे वो रस्सी बांधते थे फेंकते थे, हम वहीं बैठ जाते थे, हमें घुमा ही पाता था, हम लट्टू लेते थे ऐसे घुमाते थे, वो घूमता कहाँ घूमेगा, कोई बात नहीं। तो ये एक जो वैज्ञानिक है हमारे, वो इस पृथ्वी को एक लट्टू के, लट्टू मानते हैं, लट्टू घूमने वाला लट्टू, ठीक है ना। लट्टू की जब स्पीड धीरे होती है, पेंडुलम टाइप का होता है गोला, जब उसकी स्पीड कम होती है तो वो धीरे 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 ऐसे से हिलता है, नहीं हिलता, देखना जब स्पीड चल रही तो कांस्टेंट है वो, लेकिन जब उसकी स्पीड कम होती है तो वो धीरे 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 वाइब्रेट करता है, हिलता है लट्टू हमारा, ऐसे ऐसे हिलता है, ठीक है ना। तो जो हिलने वाली स्थिति है वही हमारी पृथ्वी की स्थिति कहलाती है। तो हिलने में कभी वो कांस्टेंट तो रहेगा नहीं, एक ही दूरी पे घूम रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी हिल रही है, सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है 1,10,000 किलोमीटर से, और खुद भी घूम रही है 1453 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो भैया, तो हमारी ये धुरी है, ये है अपना, ये इसकी जो एक्सिस है, मटकती है, घूमती, चेंज होती रहती है, ये घूमती है 22.1 डिग्री से लेकर यहाँ पर, ये तो सेंटर का हो गया, इधर का 23.5 डिग्री, बीच का औसत निकाल लिया मैंने, 22 डिग्री इधर से लेकर 24.5 डिग्री, 24.5 डिग्री का इसमें फेर बदल आ जाता है, ठीक है। यानी जो पृथ्वी है हमारी, जो हमारी पृथ्वी घूम रही है वो 22.1 डिग्री से लेकर 24.5 मतलब 24.5 डिग्री के मध्य उसका गिरते हुए लट्टू के समान, कम गति के लट्टू के समान उसकी गति होती रहती है। लेकिन वैसे क्या बोलते हैं एवरेज, 23.5 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। तो ये झुकाव ही हमारी पृथ्वी पर अक्षांश मतलब मौसम परिवर्तन का कार्य करता है, क्लियर है। अब बात आती है, जैसे मैंने बोला कि वे अक्षांश देशांतर क्यों बनाते हैं, अक्षांश देशांतर आपको क्लियर हो चुका है कि अक्षांश देशांतर से हम किसी भी पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र की
स्थिति यानी पोजीशन को जान सकते हैं कि वो पोजीशन कहां पर है। तो भौगोलिक रूप से अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि मैंने ऊपर लिखा हुआ हमारा टॉपिक है अक्षांश देशांतर है। तो हम आज कौन सी यूनिट डिस्कस करेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन को डिस्कस करेंगे। तो एस्ट्रोनॉमिकल जो पोजीशन होती है वो बेसिकली देखो ये क्वेश्चन सिंपल सा आता है कि भाई अक्षांश की जो हम जानते हैं लैटिट्यूड सीधी डिवाइड करती पैरल लाइन समांतर रेखाएं जो सैतेज है ऑरिजेंटली डिवाइड है या नहीं है, डिवाइड हो गई अपनी। और ऐसी क्या होती है? लॉन्गिट्यूड्स होती है देशांतर। लेकिन ये कहां से खींची गई है? ये अब पृथ्वी हमारी ऐसे घूम रही है, पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है हमारी पृथ्वी। तो इन रेखाओं की कोई जो खिंचाव किया गया, भले ही वो काल्पनिक रेखाएं इमेजिनरी लाइंस हैं, लेकिन उनकी भी जो खिंचाई की गई है वो पश्चिम से पूरब की दिशा में की गई। तो सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन लिखेंगे कि अक्षांश, तो डायरेक्ट लिखेंगे अक्षांश कितनी होती है, क्या होती है? नो, आप लिखेंगे जो अक्षांश है वो पश्चिम से पूरब की ओर खींची रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, पश्चिम से पूरब की ओर खींची हुई रेखाएं होती हैं हमारी, ठीक है। तो हमें समझ में आया कि भाई जो खींची हुई है वो वेस्ट टू ईस्ट को मूव कर रही हैं और कुछ इस प्रकार से ड्रॉ की गई रेखाएं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इन जो रेखा होती है, चलो ठीक है, अरे ये समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है? अभी क्लियर है? ओके, मैं लिखवा भी दूंगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। दूसरे फिर भी डाउट होता तो पूछ लेना मुझसे। अब ये हमारा नॉर्थ पोल है ऊपर और ये हमारा साउथ पोल है हमारा, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डिफरेंस हमारा। तो बात आती है कि ये जो हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमारी पृथ्वी के दो ऐसी बिंदु हैं, ना ही वहां पे स्पेस माना जाता है ना ही वहां पर समय माना जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। हमारी अर्थ पर टाइमलेस जोन कौन सी है, स्पेस लेस जोन कौन सी? मेरी बात समझ, हम इन दोनों ही बिंदुओं को टाइमलेस एंड स्पेसलेस पॉइंट्स कहते हैं, कंसीडर करते हैं। मतलब क्षेत्र नहीं होगा स्पेस, मतलब जगह नहीं होगा, है ना, वो लेस और ये टाइमलेस। क्यों? क्योंकि इन दो बिंदुओं पर सूर्य की स्थिति अलग हो जाती है, 6 महीने तक दिन 6 महीने तक रात, ना ही सूर्य उदय होता है, ऐसा कहा जाता है। जब जिस जगह पर कोई 6 महीने तक सूर्य उदय रहे और किसी जगह पर 6 महीने तक सूर्य का हास रहे, सूर्य दिखाई ना दे, तो इसके मतलब सूर्य अस्त तो दिन तो हो ही नहीं रहा ना, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। तो यहां पर टाइमलेस इसलिए है क्योंकि यहां सूर्य डूबता ही नहीं है। आप ऐसे लिख लेंगे, डूबना मतलब 6 महीने तक कोई इसका अंत ही नहीं होता, तो उसे ना डूबने की श्रेणी में रखा जाता। तो इस कारण इसे हम टाइमलेस जोन कहते हैं, एरिया कहते हैं, टाइमलेस जोन कहा जाता है इन्हें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, ठीक है। अब स्पेसलेस इसलिए मैंने इसको कंसीडर किया क्योंकि यहां ये एक बिंदु है, दे आर ओनली अ सिंगल पॉइंट, दो बिंदु, जो बिंदु है तो वो क्षेत्र तो हो ही नहीं सकता, क्षेत्र तो एक, मैंने एक पॉइंट लगा दिया तो उसे एरिया में कभी भी कंसीडर नहीं किया जाता, वो एक इमेजिनरी क्या है, बिंदु है, बिंदु, दैट्स इट। तो वो हो गई स्पेसलेस पॉइंट। तो टाइमलेस और स्पेशल किसे मानते हैं, हम कंसीडर करते हैं नॉर्थ पोल और साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी, मतलब गोलार्ध, दक्षिणी गोला का बिंदु और इधर का अपना, समझ में आ रहा है पॉइंट हमारे, चलो ठीक है। अब फिर से ये बात आई कि भाई हमने ये जो बिंदु है टाइमलेस स्पेसलेस, ये बिंदु हमने किस आधार पर डिसाइड कर दिया, मतलब टाइमलेस और स्पेसलेस जो बिंदु है वो हमने किस आधार पर डिसाइड करी है। तो क्या होता है, ये जो बिंदु है हमारी, अगर यहां पर कोई मानव खड़ा हो जाए, यहां पर अगर कोई भी ह्यूमन स्टैंड करे, खड़ा हो जाए, तो उसके शीर्षस्थ, शीर्षस्थ मतलब सर के ऊपर खगोलीय पिंड साफ दिखाई देगा, 90 डिग्री का कोण बनाता दिखाई देगा। मेरे पास समझ में आ रहा है, अगर कोई ह्यूमन बींग, कोई भी व्यक्ति
अगर इन बिंदु पे जो हम कंसीडर कर रहे हैं टाइमलेस जो बिंदु है हमारी, इन पे अगर कोई भी बंदा खड़ा हो जाए तो उसके ऊपर जो हमारे खगोलीय पिंड होते हैं, खगोलीय पिंड सेलेस्टियल बॉडीज होती है हमारी, खगोलीय पिंड जो पिंड होते हैं वो उनके जेनिथल, हम कहते हैं जेनिथल GEZETHI जेनिथल, जो शीर्षस्थ मतलब जेनिथल यूनिट्स, जो हमारे सर के ऊपर जो हमारा खगोलीय पिंड होगा वो 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा। कितने एंगल का डिग्री बना रहा होगा? 90 डिग्री। डिग्री का जेनिथल यूनिट शीर्षस्थ हमारे सर के ऊपर, मतलब खगोलीय पिंड हमें सामने दिखाई देगा। मैं अभी खड़ा हूं उत्तरी ध्रुव पे खड़ा हूं मैं अभी, और मैं अगर सर पे देखूंगा तो मुझे अपने खगोलीय पिंड दिखाई देगा, सारे नहीं दिखाई देंगे, कुछ खगोलीय पिंड दिखाई देंगे और वो हमारे ऊपर 90 डिग्री का कोण बना रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ दो बिंदी है, दो पॉइंट है, बिंदु है, तो ऐसे ही दो खगोलीय पिंड भी होंगे मौजूद, हाँ या ना? तो ऊपर जिससे हमने इसका अंत माना है, मतलब बिंदु सेंट्रल माना है नॉर्थ, वहां पे हमारे ऊपर है पोलर स्टार, कौन सा? ध्रुव तारा। पौराणिक कथाओं में भी सुना होगा ध्रुव तारे की कहानी है, भगवान विष्णु ने उसे तारा था, समर्थन किया था। तो हमारी जो यहाँ पर शीर्षस्थ हमारा जो स्टार है 90 डिग्री परपेंडिकुलर बना रहा है, दे कॉल अ पोलर स्टार, ध्रुव तारा, ध्रुव तारा 90 डिग्री के कोण पर हमारा बिंदु स्थान बना रहा है। ठीक है, अब चलो ठीक है, मैंने उत्तरी ध्रुव की तो बिंदु डिसाइड कर ली, उत्तरी ध्रुव की मैंने बिंदु डिसाइड कर ली, लेकिन मैंने तो हमारी पृथ्वी तो दो गोलार्ध है, भौगोलिक, मैग्नेटिक बात नहीं कर, भौगोलिक, तो भाई भौगोलिक तो यहाँ का कौन सा किस खगोलीय पिंड, ऐसा कौन सा खगोलीय पिंड है जिससे मैंने यहाँ की शीर्षस्थ ऊपर की नपाई करी है? एनीवन मुझे कोई आंसर दे सकता है? मैंने अक्षांश को ध्रुव तारा के हिसाब से डिसाइड कर लेट ऑन डिस्कस करता हूं मैं, लेकिन मैंने देशांतर को उस हिसाब से डिस्कस तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे इसे बल्ज कहते हैं, इक्विलेटरल बल्ज, बल्ज मतलब मोटा, पृथ्वी बीच में मोटी है यानी इक्विलेटर पे चौड़ी, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो यहाँ पर आके आके जो अक्षांश और देशांतर होती है क्या होती है? कोणीय दूरी होती है। कौन ये क्वेश्चन आ सकता है, अक्षांश देशांतर कौन सी दूरी में नापा जाता है? कोणीय, एंगुलर डिस्टेंस कहते हैं, क्या कहते हैं इन्हें? एंगुलर। एंगुलर डिस्टेंस हम कहते हैं। तो ऊपर का तो एंगुलर डिस्टेंस मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि उसकी तो चलो ठीक है, नीचे का पिंड मैं तो पिंड की बात करूं पहले, ये समझ में आया कि भाई हमारा जो बिंदु है, जो उत्तरी ध्रुव का जो बिंदु है हमारा सबसे ऊपर का, वो हमारा बिंदु सबसे ऊपर हमारे कहां पर आया? ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारे से हमने कंसिडर करा और ध्रुव तारे से हमने इसको डिसाइड किया कि भाई ये हमारी आखिरी बिंदु है। इसी प्रकार यहां पर जब हम व्यक्ति खड़ा होता है, जब हमारे वैज्ञानिक खड़े हुए निर्धारित करने वाले, तो उन्होंने डिस्कस किया, हमारा एक खगोलीय पिंड दिखाई दिया 90 डिग्री, मैंने बताया 90 डिग्री को, चाहे वो उत्तरी हो चाहे वो दक्षिणी हो। तो यहां पर जब वो कोई खड़ा हुआ तो उनके सर के ऊपर दिखाई दिया क्रॉस स्टार, कौन सा स्टार दिखाई दिया? क्रॉस, क्रॉस स्टार। क्रॉस तारा दिखाई दिया। ठीक है, तो हमने उत्तरी ध्रुव का जो निर्धारण किया बिंदु का, वो हमने निर्धारण करा कैसे? ध्रुव तारे से। और दक्षिणी ध्रुव का जो हमने बिंदु का निर्धारण किया आखिरी पॉइंट का, वो किया हमने क्रॉस स्टार से, क्रॉस स्टार से हमने उसका निर्धारण किया। तो चलो हमारे पास दो चीजें हमारे पास आ गई कि भाई ये दो हमारी बिंदु बन गई। अब हमने बिंदुओं से अक्षांश को खींचना शुरू किया, बिंदुओं से अक्षांश ऐसे नहीं कर सकते किलोमीटर से, अक्षांश मैं अक्षांश पढ़ा रहा हूं, लैटिट्यूड्स पढ़ा रहा हूं, ये लैटिट्यूड्स, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो अक्षांशों को हमने जो खींचना शुरू किया पश्चिम से पूरब की ओर, तो हमारे पास दो डिग्री आ चुकी थी। अब आखिरी डिग्री हमारे पास कौन सी थी? 90 डिग्री, ऊपर 90 नीचे 90, तो यहां पर आ गई हमारी 90 डिग्री ऊपर
और यहां पर आ गई 90 डिग्री हमारी नीचे, तो दोनों जगह पर हमारी 90 90 डिग्री का कोण बिंदु हमारे हाथ में आ गई थी। क्लियर हो रहा है मेरी बात आपकी या नहीं हो रही? ओके, अब हमें यहां तक आना था, यानी पूरी पृथ्वी पर खींचनी थी ये काल्पनिक रेखाएं जिसे हम अक्षांश कहते हैं। मैं अक्षांश पढ़ाऊंगा आज, पहले अक्षांश तो समझे, देशांतर के लिए कल का दिन रिजर्व रखा है मैंने, पहले अक्षांश बहुत डिफिकल्ट है तो है ना, दोनों पढ़ा देंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे क्या लेके चलो। क्वेश्चन आते हैं भाई कि जो भूमध्य रेखा है कितने देशों से होकर निकलती है, कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कौन सी अक्षांश में स्थित है, एक क्वेश्चन भाई मैंने क्या कहा, 30 के लिए तो हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, हाँ या ना, तो वो उस लेवल पढ़ना है तो एक ही चीज समझना ज्यादा जरूरी है। तो ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अब हमें पूरी पृथ्वी को पोजीशन देनी थी, स्थिति देनी थी, ने एक दो को आधार बनाया और हमने लाइनें खींचना, काल्पनिक रेखा शुरू की। अब हमने बोला ये एंगुलर डिस्टेंस मतलब कोणीय दूरी, तो कोण मतलब जो एंगल बनाता चलेगा, कोण बनाता चलेगा। तो ध्रुव तारा या क्रॉस स्टार की अगर मैं बात करूं तो ध्रुव तारा यहां पर चमक रहा है 90 डिग्री के कोण में। क्लियर हो रहा है? यानी यहां टॉर्च जलाओ तो सीधा सीधा दिखाई देगा पृथ्वी पे आपको, यहां पर मैं भी दिखा भी दूंगा बाद में, पहले समझना, दिख रहा है? अब उसका जब मैं नीचे की तरफ चलूंगा, देखो ये जो प्रकाश जो यहां पड़ रहा है ऐसे देखो, ये स्टार है ये रहा, ठीक है, इसका जो पड़ रहा है 90 डिग्री पड़ रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे चलूं तो उसका जो कोण है, एंगल है, वो घटेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हमेशा क्या होगा, घटेगा। तो यहां घटा, और आगे आऊंगा तो घटेगा, और आगे आऊंगा तो और घटेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो जितना मैं पृथ्वी के यानी बल्ज BULG की तरफ आऊंगा, इक्वेटोरियल बल्ज मतलब उभार, पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय उभार है, पृथ्वी बीच में मोटी है, फैली ज्यादा है, उसका डायमीटर 12,755 किलोमीटर है इधर का, और वही ध्रुवी का मानू तो 12,712 मतलब ध्रुवीय व्यास और भूमध्य रेखीय व्यास में यानी बल्ज में और इक्वेटोरियल पोलर में करीब 43 किलोमीटर का अंतर है। तो इसका मतलब पृथ्वी यहां मोटी है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो जब ये मोटी है तो यहां तक आते 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 क्यों मोटी है भैया? अब केंद्रीय बल लगता है, बीच में जमा होते आते पृथ्वी, गति थी, सारी चीजें बीच में जमा होती है, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। स्टार स्टार गोल क्यों हो जाते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी मोशन। तो यहां पर आते आते अब अगर मैं यहां टॉर्च मारूं उसकी रोशनी यहां भी देखने को मिल जाएगी, यहां भी मिल जाएगी, यहां भी मिल जाएगी, लेकिन यहां तक अब खत्म होती चली जाएगी, ये मोटी रुक जाएगी, यहां नहीं आएगी। तो जहां पर उसकी रोशनी आखिरी पड़ी उसे बोल दिया हमने 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोल दिया हमने? 0 डिग्री अक्षांश। तो ये हमारा ऐसे ही क्रॉस स्टार, जो क्रॉस स्टार है 90 डिग्री, फिर यहां दक्षिण 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 यहां पर, तो यहां पे आके 0 डिग्री। तो जो अक्षांश का निर्धारण किया है इसे हम बृहद सर्कल कहते हैं, ब्रॉड सर्कल कहते हैं। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? तो हमने यहां पर आके खत्म हो गए। तो जैसे हम बोलते हैं 66.5 डिग्री, जैसे ये हो गया हमारा, यहाँ हम बोले 66.5 डिग्री हमारा, यहाँ हम बोले 23.5 डिग्री या हमारा 0 डिग्री, ऐसे ही यहाँ पे 23.5 डिग्री अक्षांश लैटिट्यूड, यहाँ पे 66.5 डिग्री का लैटिट्यूड, यहाँ हमारा 90 डिग्री। तो ये हमने क्रॉस स्टार एंड पोलर स्टार को अपना माध्यम बना के हमने इनको खींच दिया। समझ में आया? अब जो सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश होती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं भूमध्य रेखी, सूर्य के हिसाब से बताएं अगर हम तो भूमध्य रेखी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, 23.5 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है तापमान के अनुसार परिवर्तन, सूर्य तापमान परिवर्तन, 30 से 35 डिग्री सबसे इंपॉर्टेंट होती है, 60 से 65 डिग्री सबसे इंपॉर्टेंट होती है, फिर 66.5 डिग्री इंपॉर्टेंट होती है और 90 डिग्री। जो भी चर्चा होती है आपको ये अक्षांशों को कभी नहीं भूलना चाहिए, 0 डिग्री अक्षांश दोनों तरफ उत्तरी दक्षिण ध्रुव की बात करूं मैं, 30 से 35 डिग्री अक्षांश अगर मैं ऐसे कर दूं 30 से 35, 60 से 65 डिग्री अक्षांश, 66.5 डिग्री अक्षांश और 90 डिग्री अक्षांश। ये अक्षांश जो हमने खींची गई हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण
जो हमारे वैज्ञानिकों ने, भूगोलवेत्ताओं ने जो मतलब श्रेणी दी गई है वो इन अक्षांशों को दी गई है, ये उत्तरी और दक्षिण दोनों ही है। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे मान लेते इनके बीच के स्थान है, मतलब तो 6 स्थानों को उत्तरी 6 स्थान ले लो और 6 स्थान दक्षिणी ले लो। इनको हमारे यहाँ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त है, अक्षांशों को, लैटिट्यूड्स को बहुत महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त है। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा जो पढ़ा रहा हूँ? तो समझ में आ रहा है, डाउट तो नहीं आ रहा? ओके ओके, चलिए। तो ये हमारा कोणीय दूरी है, कोणीय, ये समझ आ गया। तो भाई कोण बना तो यहाँ पे 66.5 बन गया, यानी उसका जो प्रकाश पड़ रहा है, रे आई है, प्रकाश आया है, वो 66.5 डिग्री का पड़ रहा है। फिर और आए 23.5 डिग्री, फिर आ रहा है और 20 डिग्री के आसपास, 0 डिग्री के आसपास हमारा हो गया। तो ये हो गए खत्म हमारे। अब हम देखें अगर अक्षांश कितनी है, तो भाई देखो 0 को छोड़ो, अगर 1 से मूव करें तो ऊपर 90 तो बिंदु है, नब उसका अस्तित्व भी नहीं है, वो टाइमलेस है, स्पेसलेस है, तो उसे कंसिडर क्यों करेंगे हम? तो उन्हें आप कंसिडर बिल्कुल नहीं करोगे, समझ में आया? तो 1 से लेकर 89, भाई 1 डिग्री से लेकर 89, तो 1 डिग्री 89 हो गया, तो 99 हो गई, ऊपर नीचे भी 89 हो गई, कितने हुए ये 9, 18, 16, कितने हुए 8, 8, 16, 1, 17, 178, ठीक है। चूंकि जो 0 डिग्री की भी अक्षांश है वो भी दोनों गोलार्धों को इक्वली डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब हुआ इसे भी कंसिडर करेंगे तो +1, यानी हमारे जो लैटिट्यूड्स हैं अभी जो टोटल हमारे 179 लैटिट्यूड्स कंसिडर करते हैं, इन दो बिंदुओं को हम कंसिडर क्यों नहीं करते, ये मैंने आपको बता दिया है कि उनकी स्थिति हमारा नहीं है। चलिए हमारा, तो ये हमारा क्लियर हुआ। तो ये हमारा क्लियर हुआ। अब इसमें जो भूमध्य, थोड़ा लिख लो पहले, चलो थोड़ा लिख लो, नोट कर लें, जो कराया सिर्फ मैं वही लिखवा रहा हूं, आपको नोट्स में बनाना का जरूरी है। पृथ्वी पर अगर हम लिखे, पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति के निर्धारण के लिए कितनी विधियां दी गई हैं? 2। पृथ्वी पर किसी भी स्थान के निर्धारण के लिए 2 विधियां हैं। एक है खगोलीय स्थिति, एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशंस, जिसे अक्षांश और देशांतर में बताते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन यानी खगोलीय विधि जिसे हम अक्षांश और देशांतर में बताते हैं। दूसरी है ज्योग्राफिकल लोकेशन पोजीशन, जिसे हम भौगोलिक स्थिति हिंदी में कहते हैं, दूसरी विधि है ज्योग्राफिकल लोकेशन, भौगोलिक स्थिति जिसे हम स्थलखंडों और जल राशियों में बताते हैं, देश, स्थल खंड यानी लिथोस पे जो भी पोजीशन है, जल राशियां समुद्र हुए, ओशियंस हुए, उनमें बताते, समझ में आया? किसे बताते हैं भाई? जो लोकेशंस होते हैं ना, माउंटेन हो गए, ओशियंस हो गए, सी हो गए, वैलीज हो गए, उन्हें कर लोकेशन लिख लो, एक साथ बहुत है, मैं आपको समझाते हैं। ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन जो हम कर रहे हैं। हम पहले बात करेंगे लैटिट्यूड्स की, या गुड मॉर्निंग, लैटिट्यूड्स की, अक्षांश की। अक्षांश पृथ्वी पर ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो क्षैतिज दिशा यानी समांतर वृत्ताकार के रूप में फैली हुई है, पैरल लैटिट्यूड, हॉरिजेंटली स्प्रेड है ना, तो
अक्षांश पृथ्वी पर निर्मित ऐसी काल्पनिक रेखाएं इमेजिनरी लाइंस हैं जो डिस्ट्रीब्यूट है जो क्षैतिज दिशा में समानांतर वृत्ताकार रूप में फैली हुई है, हॉरिजेंटली पैरली ड्रॉ है, जो समानांतर वृत्ताकार में फैली हुई है। समझ में आ रहा है? ये उत्तर से, अब देखो, अच्छा ये बताओ, मैंने इनका निर्धारण यहां से ऊपर जाते समय किया या नीचे ऊपर से नीचे किया? भाई 90 डिग्री तो ऊपर ही था ना मेरा स्टार, तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर कोणीय दूरियां नापी गई हैं, एंगुलर जो डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो नॉर्थ टू साउथ किया गया है। लिख लीजिएगा, अक्षांश ग्लोब एवं मानचित्र पर, अक्षांश ग्लोब एवं मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण दिशा में नापी गई कोणीय दूरियां हैं। अक्षांश ग्लोब या मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई कोणीय दूरियां हैं, एंगुलर डिस्टेंस है। ठीक है, मैंने आपको एक व्यक्ति के बारे में बताया था, यदि कोई व्यक्ति कहां खड़ा हो जाए, ध्रुव पे बिंदु पे खड़ा हो जाए तो उसके शीर्षस्थ पर यानी जेनिकल पर उसे खगोलीय पिंड दिखाई देगा एकदम सर के ऊपर, और कितने कोण बनाएगा वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। नोट कर लीजिएगा, अगर यदि कोई व्यक्ति ऊपर यानी शीर्षस्थ बिंदु जै निथल पॉइंट ZENITHAL शीर्षस्थ बिंदु पे खड़ा हो जाए तो उसके ऊपर जो आकाशीय पिंड हैं वो स्थिर दिखाई देते हैं। स्थिर भाई, वो हिल गया तो फिर हमारी इमेजिनरी लाइनें हिल जाएंगी, वो क्या दिखाई देते हैं? स्थिर दिखाई देते हैं, कांस्टेंट दिखाई देते हैं। आकाशीय पिंड जो होते हैं हमारे वो स्थिर दिखाई देते हैं, ठीक है, और जहां वो स्थिर दिखाई देंगे वही बिंदु 90 डिग्री तो बनाएगा ही बनाएगा, जो स्थिर है तो ऊपर है सर के ऊपर, ना बोलो। हाँ, नीचे तो खत्म ही हो गया ना, दिखना बंद हो गया, तो मैंने क्रॉस स्टार बताया ना, नीचे का हम क्रॉस स्टार से 0 डिग्री तक आते हैं, ऊपर हम पोलर स्टार से आते हैं 0 डिग्री पर, दोनों की रोशनी समाप्त हो जाती है भूमध्य रेखा पर, इक्वेटोरियल बल्ज पर खत्म हो जाती है।